रेवड़ी संस्कृति का जो रोग है ये बढ़ता जा रहा है। खाली राज्यों पर जो कर्जा है वो 50 लाख करोड़ का खर्चा है, इससे ज्यादा ही होगा। आए दिन स्टेट्स में चुनाव होते रहते हैं और चुनावों से पहले घोषणा पत्र का दस्तावेज हर पार्टी पेश करती है, जिसमें जनता के सामने वादे रखते हैं कि चुनाव जीतने के पर वो जनता के लिए क्या क्या करेंगे, उनकी नीतियां क्या होंगी और सरकार किस तरह से चलाएंगे और जनता को किस तरह से फायदा होगा। हालांकि घोषणा पत्र में वादों का जो पिटारा है उसके तो कहने क्या, वोट पाने के लिए राजनीतिक दल मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, डेली वेजेस को दैनिक भत्ता, महिलाओं को भत्ता, ऊपर से गैजेट्स जैसे लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन आदि का देने का भी वादा करते हैं। कितने पूरे करते हैं ये एक अलग ही चर्चा का विषय है। अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अनाउंस हुए हैं तो पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा जी तो और सब कुछ तो देंगी, 370 को भी वापस लागू करेंगी ये भी उन्होंने ऐलान किया है। 20 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, गरीबों को 12 गैस सिलेंडर, वृद्धावस्था की पेंशन, विधवा पेंशन को दुगना करना आदि आदि, ये अंति नहीं। घोषणा पर तो सारी दुनिया में ही जारू होते हैं पर भारत में राजनीतिक दलों के जो मुद्दे हैं और रेवड़ियां बांटने की जो बढ़ता रोग है वो एक चिंता का विषय हो गया है। सभी को मालूम है कि रिश्वत के बराबर है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाईलाइट किया है और सबको ये भी मालूम है श्रीलंका में जो गत वर्ष सरकार का पतन हुआ उसके पीछे भी मेन कारण मतदाताओं को मुफ्त उपहार बांटना था। हिंदुस्तान में परंपरा दक्षिण भारत के राज्यों से शुरू हुई, अब सभी राज्यों में फैलती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का इसका संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में कड़े एडवाइजरी देनी चाहिए जिससे कि ये रोग समाप्त हो जाए।